सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड प्लीज इग्नोर माय फेस बिकॉज अभी सोकर उठा हुआ एंड काफ़ी दिनों से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एंड अनेबल टू शूट अ वीडियो और कोई भी अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ। एंड काफ़ी लोग मतलब अभी बहुत परेशान हो रहे हैं, इतने कॉल्स, इतने इंस्टाग्राम मैसेजेस और बहुत सारी क्लासेस जो मेरे से लोग कनेक्टेड हैं इंटरव्यू की, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत चल रही हैं। बट लाइक लास्ट 4-5 डेज आई एम वेरी वेरी बिजी और आज जाकर मैं आज इवनिंग में मैं अपने जयपुर पहुंचूंगा लाइक अराउंड नाइट लाइक 12-1। फिर मे बी मैं कल भी मेरे को थोड़ा बहुत टायर्ड वायर्ड हूँ तो कल भी मैं ऐसे ही थोड़ा मतलब या संडे मंडे से प्रॉपर ट्रैक पे आऊँगा। सो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, एक अपडेट शेयर कर देता हूँ F1 वीज़ा पे भी, और अभी जो साइट का क्रैश चल रहा है वो ठीक हो चुका है तो वो भी कर देता हूँ। और मैं उससे बता देता हूँ कि मैं इतने दिन से वीडियो क्यों डालूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप वीडियोज़ क्यों डाल रहे हैं, आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, आप इंटरव्यू देने गए हो कि वीज़ा का? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कहीं नहीं देने गया हूँ, बहुत टाइम है। अभी मेरे को थोड़ा सा काम था, थोड़े डॉक्यूमेंट्स वगैरह काम था तो वो कर रहा था एंड अभी काफ़ी ट्रैवल कर रहा था, दो दो तीन सिटीज़ ट्रैवल करी है मैंने और घर पे भी थोड़ा मैं बोर हो रहा था तो मैं सोचा थोड़ा इन्जॉय भी कर लूँगा। बट क्या होता है, कभी कभी इन्जॉय कर पाते हो, कभी कभी नहीं कर पाते हो। तो मेरी जो पहली ट्रिप थी मैंने इन्जॉय कर लिया, पर अभी की जो ट्रिप है ना बोरिंग सी हो गई मेरे लिए। पहली ट्रिप में बहुत ज़्यादा थक गया था मैं और अभी की ट्रिप में तो चलो फिर भी ठीक है। चलो ये तो मैं ब्लॉग में शेयर कर दूंगा, ये पूरी एक कहानी है कि मैं क्या कर रहा हूँ कैसे नहीं। अभी तो मेन बात करता हूँ जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ और अब से रेगुलर वीडियोज़ की पूरी कोशिश करूँगा डालने की। सो इस अभी क्या है कि F1 वीज़ा पर अपडेट्स मैं दे चुका हूँ कि देखो अप्रैल में कोई स्लॉट्स नहीं मिलने वाले और ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, फिर भी लोग पूछ रहे हैं उनके लिए यही है। और जो साइट क्रैश थी आज सुबह मैंने चेक किया था, साइट चलना स्टार्ट कर दिए, उसमें OFC की अपॉइंटमेंट भी दिखा रहे हैं, मेन इंटरव्यू की नहीं दिखा रहे, काउंसलर वाला इंटरव्यू नहीं दिखा रहा, पर लेकिन वो बायोमेट्रिक्स वाला इंटरव्यू दिखा रहा है, सॉरी बायोमेट्रिक्स वाला स्लॉट्स दिखा रहे हैं, मेन इंटरव्यू वाले नहीं दिखा रहे। तो अब क्रैश वाली जो साइट हुई थी वो शायद इसलिए हुई थी कि वो ठीक कर रहे थे या कुछ स्लॉट्स डालने के लिए, जो भी था उनकी जो प्रॉब्लम चल रही थी, इतना सारा रश आ रखा है तो इसलिए। और ये तो यही मैं आपको बताना चाहूँगी, अब शायद सब कुछ ठीक हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब आप स्लॉट्स के लिए मॉनिटर कर सकते हो। पर स्लॉट्स आपको मई और जून के ही मिलेंगे, जिनका अप्रैल में इंटरव्यू डिफर करा लो, क्योंकि यही एक मैं मेजर अपडेट देना चाहूँगा। क्योंकि एक प्रॉपर पॉइंट यही है कि जैसे लोग जो अप्रैल का वेट कर रहे हैं, देखो आपको कोई ऑप्शन नहीं है, बस अगर मान लो कि आपकी 20 अप्रैल को क्लास चालू हो रही है तो वेट टिल 20 अप्रैल फिर डेफर करा लो, ये नहीं कि पहले करा लो अगर स्लॉट नहीं मिला तो। मे बी मान लो मिल जाए आपको एक दो दिन पहले स्लॉट, शायद कोई पता नहीं था कुछ भी नहीं, अगर आप मॉनिटर कर रहे हो, आपके एजेंट से कनेक्टेड हो तो मैं इसलिए मैं आपको बोलूँगा। और सेकेंड थिंग मैं आपको ये बोलूँगा कि मई जून वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी से डेफर कराने का मत सोचो, वेट, यू हैव लॉट ऑफ टाइम, आपको एक दो महीने हैं, स्लॉट्स मिल सकते हैं, रिलीज़ हो गए, कभी भी रिलीज़ कर देते हैं, कोई पता नहीं होता, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड स्लॉट्स भी आ जाते हैं। तो बेसिकली मेरा यही है आपको बोलने का। सो ये था एक छोटा सा अपडेट एंड एज वेल एज अब मैं रेगुलर वीडियोज़ लाता रहूँगा, मेरे को काफ़ी लोगों को जो मैं कमेंट्स में रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ एंड इंस्टाग्राम मैसेज पे जो इनकी रिक्वेस्ट पड़ी हुई है मैं उनको रिप्लाई नहीं किया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मैंने आपको बताया था आई एम ट्रैवलिंग एंड यू नो कि मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, मतलब इतना टायर्ड ना कि मैं कभी नहीं हुआ, इतना चलना पड़ रहा है, इतना काम करना पड़ रहा है, तो इन्जॉय भी कर रहा हूँ पर लेकिन एनी पॉइंट कहीं ना कहीं पॉइंट में परेशान भी हो जाता हूँ कि हाँ इतना काम और ये, फिर इधर जाओ उधर जाओ, सो दैट्स द रीज़न। एंड वन मोर थिंग, जैसे ही अब मैं रेगुलर वीडियोज, अब मैं कल घर पहुँचाऊँ, रात तक घर पहुँचाऊँ, तो अब मैं रेगुलर वीडियोज लाऊंगा एंड आई वुड बी रिप्लाइंग यू ऑन कॉमेंट्स एंड इंस्टाग्राम पे जो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग बिकॉज मैं अभी घर पर नहीं था, आई वॉन्ट आंसर एनी कॉल, ठीक है? तो जैसे ही मैं पहुँचाऊँ देन आई विल लाइक कॉन्टैक्ट पर्सनली, अगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपके मान लो कल परसों में इंटरव्यू है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देन यू कैन जस्ट DM मी एंड मैं एक बार चेक कर लूँगा, तो मैं शायद फिर आपको रिप्लाई कर दूँ, क्योंकि देखो अभी मैं बाहर हूँ तो मैं आपको ऑब्वियसली ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। सो कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबको रिप्लाई करना, यू कैन DM मी योर क्वेरीज, जो भी आपकी क्वेरीज हैं एंड एनी थिंग यू वॉन्ट फ्रॉम माई एंड, डू लेट मी नो कि आपको क्या टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कहाँ परेशान हो रहे हो, क्या क्या फिल करना है, DS&60 स्लॉट्स, एनी थिंग। एंड बस यही था और फिर अब से रेगुलर स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस और बहुत ज़्यादा बोरिंग, आलसीपन, लेजीनेस सब कुछ कर लिया, मज़ा नहीं आ रहा था। अब वापस जो स्टार्टिंग में जो यूट्यूब पे पुश मिला था ना मुझे, जो मैं अच्छे से कर रहा था, बहुत अच्छा यूट्यूब कर रहा था, अच्छे से वीडियोस, रेगुलर वीडियोस, लाइव आना, वो मैंने लास्ट 1-1.5 महीने से बिल्कुल एकदम इग्नोर कर दिए। आई डोंट नो बिकॉज मैं शायद तक बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया, आई डोंट नो कि शायद बहुत ज़्यादा लेजी हो गया, सो दैट्स द रीज़न। एंड लेट्स सी, अब मैं प्रॉपर रेगुलर सोच रहा हूँ कि अब बिल्कुल मिस नहीं करूँ, लाइक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम फ्रॉम 1st of Jan कि मैंने तीन दिन रेगुलर वीडियोज़ नहीं डाली है। मतलब मैं क्या करता था, जब मैं ट्रैवल करता था पहले ऑलरेडी वीडियोस रिकॉर्ड कर लेता था, मैं डाल देता था,
बट मेरे पास टाइम भी था और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो एक ना फोन का एडिक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है कभी कभी किसी को, तो मेरे को वो काइंड ऑफ एडिक्शन है जो वो रील वाला चलता है ना, बस रील स्क्रॉल करते रहो, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी मैं बहुत दूर भी हो जाता हूँ, कभी तो ऐसा होता है कि पूरा दिन ही इसमें निकल जाता है, कभी आता है कि मैं ध्यान ही नहीं देता क्या हो रहा है। जैसे मैं भी 2-3 दिन में अगर होटल में भी हूँ ना, तो ऐसा होता है कि मैं देखता ही नहीं हूँ क्या चल रहा है इंस्टाग्राम पे, तो ऐसा होता है कभी कभी, डिपेंड करता है मतलब मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। तो बेसिकली क्या है, अब ये सब चीज़ से हटकर मुझे यूट्यूब पे फोकस करना है, आई नीड टू ग्रो माई यूट्यूब ऑल्सो, और मैं सबकी हेल्प करना ही चाहता हूँ, और कोई भी टॉपिक्स वगैरह होगा जो अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक्स चल रहे हैं, मैं उन पर वीडियोज़ बनाऊंगा, एंड लेट्स सी क्या होता है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे रीच कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।